अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रेजी टीवी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपने ही एक लेफ्टिनेंट जनरल को गिरफ्तार कर लिया है। आज की धमाकेदार खबर है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपने ही आर्मी के सिख ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल तरनजीत सिंह को इस शुबे में गिरफ्तार कर लिया है कि वो वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ फ़ौज में लॉबिंग कर रहा है। इंडियन फ़ौजियों में बढ़ती हुई ज़हनी कशीदगी अब रॉ के लिए अपने ही जवानों और अफसरान को शक की नज़र से देखने पर मजबूर कर रही है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज तरवाए की जगह सियासी असर व रसूख रखने वाले जनरल विपिन रावत और अजीत डोल की अस्करी फैसलों में दखल अंदाजी ने अब इंडियन फ़ौजियों का मोरल डाउन करना कर दिया है। सिख फौजियों ने कश्मीर के महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया है और मुतालबा किया है कि दहशतगर्द तंजीम RSS के गुंडों को फौजी वर्दियों में मजलूम कश्मीरियों के कत्लेआम से रोका जाए, क्योंकि इससे अवाम फ़ौज के खिलाफ हो रही है। अगर इतना ही इन गुंडों को लड़वाना है तो इन RSS के गुंडों को लद्दाख के महाज पर चीनी फौजियों से लड़वाया जाए, क्योंकि अब सिख फौजी लद्दाख में चीनी फौजियों से भी लड़ना नहीं चाहते। कश्मीरियों और दीगर अकलीतों की आवाज़ारी इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर रही है। पाकिस्तान के साथ हर महाज पर नाकामी अब इंडियन फ़ौज का मुकद्दर बन चुकी है। अब देखना ये है कि मोदी और इसके वज़ीर मशीर जो हैं इस मामले में क्या पेशरफत करते हैं, क्या नहीं करते, क्योंकि अब वो उनकी अपनी फ़ौज अब उनके खिलाफ ही बगावत कर रही है, जिसकी वजह से बड़े बड़े अफसरान को वो गिरफ़्तार कर रहे हैं शुबे की बुनियाद पर। तो जिन आर्मी चीफ का मोराल इतना डाउन हो गया है कि वो अपने ही लेफ्टिनेंट जनरल को शक की निगाह से देखते हैं, वो लड़ेंगे क्या, जंग क्या करेंगे? उन्होंने खुदकुशी करनी है, उन्होंने और क्या करना है? ज़हनी तनाव की वजह से वैसे भी इंडियन फ़ौजी जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं। ना उनको कुछ खाने को दिया जाता है, ना कुछ पीने को दिया जाता है। तो यही मेन रीज़न है कि उनके जो फैसले हैं, डिसीज़न है, वो उनके सही नहीं होते, जिसकी वजह से अस्करी की आते जो अपने फैसले खुद नहीं करती, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और मज़े की बात यह है कि अभी ये बोल रहे हैं कि हम चीन को तबाह कर देंगे। इनको अपनी फ़ौज पे जो है ना इतना डाउट है, तो वो लड़ेगी कैसे और चीन को तबाह कैसे करेगी? आए रोज़ ये इंडियन चैनल्स पर दिखाते रहते हैं, हमने ये मिसाइल मारा, वो मिसाइल मारा, हमारे पास वो मिसाइल है, हमारे पास ऐसा मिसाइल है कि हम जट चीन पे मारेंगे। तो भाई अपनी पहले फ़ौज को तो क्लियर करो, फिर चीन से जाकर लड़ना आप लोग।